मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, दैट इज PCOD, जिससे आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं। मेरे एज के लड़के या लड़कियां मुझे आंटी बुलाते थे, बिकॉज आई वाज सो हैवी एंड बल्की ऑल दैट द टाइम। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं कोई चीज़ ओमिट नहीं करूंगी अपनी लाइफ से, सब कुछ लिमिट या मॉडरेशन में करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा था अगर मैं वेट लॉस करूँ एक बार तो उसको सस्टेनेबल बनानी है। बहुत लोग आपको ना कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है डाइट करने की, ठीक तो हो, यू नो देयर बी अ लॉट ऑफ नेसेयर जो आपको कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको लिटरली गेट देम आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ऐसे डीमोटिवेट जो करेंगे आपका और स्लो हो जाएगा। हाय, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर। मैंने स्टार्ट किया था 2017 में अपना वेट लॉस जर्नी। आई वाज हैवीएस्ट एट 68 kg एंड अभी मैं 49-50 kg की हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी बिकॉज ऑफ वेट गेन इश्यूज। मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, दैट इज़ PCOD, जिससे आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, फेस पे बहुत एक्नी होती है, हेयर फॉल, वेट गेन, ब्लोटिंग, मूड स्विंग, मुझे सब थे। बट जो होता है ना, शादी के बाद आप इग्नोर करते हो, आप अपना लाइफस्टाइल ध्यान नहीं रख पाते हो। वैसे औरतें नए एनवायरनमेंट में जाती हैं, जॉब के साथ साथ फैमिली संभालना सब कुछ डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने अपने हेल्थ को इग्नोर किया था। बट ट्रिगर पॉइंट था जब मुझे ऑलमोस्ट 9-10 months पीरियड्स नहीं आए थे, तब मेरे गायनेक ने मुझे कहा था या तो आप पिल्स पे चले जाओ या अपना वेट लूज कर लो। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी इन 2017 व्हेन आई वॉज इन ऑफिस। तब मेरे एज के लड़के या लड़कियां मुझे आंटी बुलाते थे, बिकॉज आई वाज सो हैवी एंड बल्की ऑल दैट द टाइम। तो उनको लगता था मेरी एज एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो एट द एज ऑफ 24-25 एज टू थिंक आई एम व्हाट 30s इन माय 30s, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आफ्टर वेट लॉस आई एम 35 राइट नाउ। आई फील लाइटर देन एवर एज आई टू फील एट 25। तो बहुत बुली होती थी वेट के वजह से एट वर्क। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं कोई चीज़ ओमिट नहीं करूँगी अपनी लाइफ से, सब कुछ लिमिट या मॉडरेशन में करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा था अगर मैं वेट लॉस करूँ एक बार तो उसको सस्टेनेबल बनानी है। मतलब करके लोग ना वेट गेन कर लेते हैं, और तभी आप करते हो जब आप फैट डाइट करते हो, आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होता है। तो मैंने राइस, रोटी, शुगर, सॉल्ट सब कुछ डाइट में रख के, मॉडरेशन में रख के तभी वेट लॉस किया था। तो मैं बहुत ही एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पर रहती थी। वर्कआउट में दिन का 45 मिनट्स करती थी स्टार्टिंग में। फर्स्ट थ्री एंड हाफ मंथ में 10 kg लूज़ किया था, तब मैं सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करती थी, सिंपल बॉडी वेट वर्कआउट। एंड उसके साथ डाइट में मेरा प्रोटीन अच्छा रहता था, प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स एंड मॉडरेट कार्ब्स। तो टाइमिंग पे हम फोकस करते थे बहुत ज़्यादा। एंड एक मैंने एक चेंज किया था, एक स्मॉल प्लेट में खाती थी। अगर मैं एक बहुत बड़े प्लेट में पहले लेती थी तो उसको मैंने क्वांटिटी चेंज कर दिया था, ताकि मेरा दिमाग मुझे कहे कि अभी आपका पेट भर गया है, आप ज़्यादा मत खाओ। तो दैट इज़ हाउ आई स्टॉप ओवर ईटिंग। एक और ट्रिप मैंने, आप कह सकते हो, एक और टिप मैंने फॉलो की थी, दैट वाज कि मैं खाना खाने से आधा घंटे पहले थोड़ा सा एक ग्लास पानी पी लेती थी, सो दैट आई डोंट ओवर ईट माई मील। एंड बिंज ईटिंग के लिए आई स्टॉप ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ जंक एट होम। मुझे जैसे आइसक्रीम का बहुत शौक था, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब लाना मैंने बंद कर दिया था। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो मॉर्निंग में उठने का मुझे दिक्कत होता था, भागना पड़ता था ऑफिस के लिए, तो एक तो वो हैबिट पे काम करना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए मैंने अपना स्लीप साइकिल को ठीक किया। तो स्केड्यूल ठीक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका मॉर्निंग रूटीन सेट हो, उसके लिए आपको अपना नाइट ठीक करना होता है। तो मेरा एक गंदा हैबिट था, है ना, फ़ोन देखना हर टाइम, सोशल मीडिया पर कुछ टाइम स्पेंड करना। तो 2 बजे सोने का जो हैबिट था उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। तो what I did, I set an alarm clock on my phone to go to bed. लोग मॉर्निंग अलार्म क्लॉक डालते हैं, तो मैंने बेड टाइम का डाला था कि 11:30 बजे तक अन्वेषा आपको कैसे भी अभी बेड पे जाना है, एंड नो स्क्रीन्स टू बेड। सो दैट हेल्प मी टू वेक अप अर्ली। तब मैं 2017 में ऑफिस में काम करती थी, तो तभी मैंने वेट लॉस एक्चुअली विद ऑफिस किया था। सो आई टू यू नो हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8:39, लीव फॉर वर्क, कैरी लंच। तो मैं ऑफिस कैंटीन में नहीं खाती थी, मैं अपना लंच खुद कैरी करती थी। स्नैक्स के लिए यू नो मे बी अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी विद सम रोस्टेड मखाना वगैरह, एंड देन कम बैक एंड बाई 8:30 आई टू रैप अप माई डिनर। तो ये टाइमिंग एंड स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। वर्कआउट मैं यूजली ऑफिस के बाद ही जिम चली जाती थी या वॉक पे जाती थी, दैट वॉज ऑलवेज आफ्टर ऑफिस। तो सी, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो मेरे लिए प्रोटीन सोर्सेज अच्छे हो जाते हैं। सो एग्स यूज टू बी अ पार्ट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में,
ठीक है। उसके बाद नट्स रहते थे, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, खास करके अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहते हैं तो यू नो चिया सीड्स इज वेरी गुड, चिया सीड्स, बेसिल सीड्स। देन उसके साथ यू नो आई टू ऑल आई एम अ बंगाली ऑल्सो, सो आई एम बॉट इन अ फैमिली जहाँ पर राइस डोमिनेंट रहता है, तो मैंने राइस क्विट नहीं किया था, ऑमिट नहीं किया था, तो मैं बट क्वान्टिफाइड में खाती थी, जैसे मे बी 75 ग्राम से 100 ग्राम्स ऑफ राइस, उसके साथ पनीर या फिर फिश या फिर चिकन या फिर कोई राजमा छोले कभी, तो आई ऑल्टरनेट करके लेती थी। ऑफकोर्स अ बोल ऑफ सैलड विद लंच, एंड अभी गर्मी के टाइम ऑफकोर्स छाछ रहता था घर पे बनी हुई, एंड मॉडरेट में मैं चीट मील भी करती थी, बट वो मतलब आई लिमिटेड इट टू वंस और ट्वाइस मैक्सिमम अ वीक उस टाइप से, या फिर अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लेती थी, जैसे पहले एक चीज़ के खुद गटक लेती थी, उसके बाद आई थॉट कि नहीं कैलरी को कट करना है तो किसी का शेयर करना ज़रूरी है, यू नो शेयरिंग इज केयरिंग फॉर योर ओन हेल्थ, सो दैट हेल्प मी टू कट डाउन माई बैड हैबिट्स। सबसे पहले तो एकदम जंक, मैंने जैसे बोला एकदम सब कुछ 100% क्विट कर दोगे तो आप फॉल बैक करोगे, सो लिमिटेड टू वंस अ वीक व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी। एक्सट्रीमली फ्राइड फूड, जो फास्ट फूड चेन्स है, लाइक आई नॉट नेम देम बट यू नो द फास्ट फूड चेन्स राइट, बर्गर्स, पिज्जाज, चिकन, फ्राइड चिकन एंड ऑल दैट, यू हैव टू कम्प्लीटली स्टॉप दैट। आपको बाहर खाना है, गो टू अ फ्रेश कैफे दैट मे प्रिपेयर सैंडविचेस फ्रेश या सैलड फ्रेश, तो वो आपकी अभी चीट मील होनी चाहिए। और फ्रेशली प्रिपेयर इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एज अ डाइटिशियन मैं आपको ये कहूँगी कि आप साल में स्पेशली इफ यू 30 अबव, आप अपना ब्लड चेकअप, जेनरिक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाइए, उससे आपको अपने ब्लड में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, यू नो HbA1c, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। विटामिन डी, जिसमें आप सब डेफिशिएंट है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 की डेफिशिएंसी, दीज आर वेरी कॉमन, तो आपको पता होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग से अपने लाइफस्टाइल को सेट कर पाएंगे। सप्लीमेंट चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि नॉट एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द फूड, तो उसके लिए कुछ कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स भी आपको कंसल्टेशन से लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज लाइक आई सेड कि एज अ डाइटिशियन योर प्रोटीन हैज़ टू, क्योंकि इंडियंस आर लिटिल डेफिशिएंट इन प्रोटीन, तो प्रोटीन हैज़ टू बी एटलीस्ट विद टू मील्स, मिनिमम विद टू मील्स, एंड हेल्दी फैट्स, not do not reheat your oil, add healthy fats to your diet, you know like ghee but in moderation, olive oil use kar sakte, mustard oil, cold pressed oil, nuts, walnut seeds, ye sab aap include kijiye, but also do not overdo these kinds of things, ye aap kijiye and you see amazing results. bahut log aapko na kahenge ki iski kya zarurat hai diet karne ki, cheek to ho ya you know there will be a lot of naysayers jo aapko constantly demotivate karenge। ऐसे भी लोग कहेंगे कि इतना कम खा रही है फिर भी वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी नहीं होता है, कुछ लोगों का बहुत जल्दी होता है, कुछ लोगों का बहुत टाइम से होता है। तो सबसे पहले तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप लोग लिटरली गेट देम आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ऐसे डीमोटिवेट जो करेंगे आपका और स्लो हो जाएगा। सेकेंड इज टू स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव विथ योर सेल्फ, जैसे आप सुबह उठते हो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो सुबह उठ के खुद को पॉजिटिव एक मोटिवेशन देना, सेल्फ टॉक देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑन डेज जब आपका वेट ड्रॉप नहीं होता है। एंड the last is you have to fight with your own family members also to set your meal timings, ya ghar pe bahut baar you know bana lenge khila denge kuch nahi hota thoda kha le, to wo aap mein ek will power honi chahiye ki aap unse fight kar pao, wo initially aapko na kahenge ya kya kar rahi kahenge, but jab aap pe result dekhenge to shayad wo khud apna diabetes theek kar lenge, hai na, wo khud khana time se khana start kar denge, to wo ek chain reaction hoga, but uske liye initially you have to fight with a lot of people। Thank you.